आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल में बारिश ने बरपाया कहर, मणिकर्ण में बादल फटा, चार लोग लापता, शिमला में एक की मौत। महुआ मोइत्रा ने अनफॉलो किया टीएमसी का ट्विटर हैंडल, मां काली पर टिप्पणी के बाद पार्टी ने बना ली थी दूरी। आज संविधान परिषद में कांग्रेस होगी जीरो, सपा से छिन सकती है विपक्ष की कुर्सी। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी, बकरीद और कांवड़ यात्रा से पहले बुलाई गई बड़ी बैठक। रसोई गैस में फिर लगी आग, कंपनियों ने 50 रुपए बढ़ाए दाम। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल जानेंगे, इसके लिए आज शाम 7 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में सभी 75 जिलों की पुलिस कप्तान से लेकर DIG, IG, जिलाधिकारी मंडल, मंडलायुक्त, ADG, पुलिस कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। आगामी त्योहारों और कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। और इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे, बकरीद और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा, दो त्योहार इसको देखते हुए आज बैठक करी जाएगी, क्या जानकारी है? जी शिखा, आपको बता दें कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होता है, साथ ही साथ इस बार बकरीद भी पड़ी है। वहीं अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था में लेकर और साथ ही साथ कांवड़िया और दोनों त्योहारों को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज यूपी के 75 जिले और साथ ही साथ DIG, ADG और जहाँ पे कमिश्नर प्रणाली लागू है वहाँ के CP, SSP, SP से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 7 बजे उनसे उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आपको बताएं कि जो उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो त्योहारों को लेकर, जो कांवड़ियों को लेकर पिछली बार देखा जाए तो तमाम जगहों पर ऐसे बूथ बनाए गए थे जहां कांवड़िया अपने वहां इंतजार कर सकते हैं, साथ ही साथ उन सब जगहों पर आराम फरमा सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए निर्देश भी जाएंगे। साथ ही साथ सड़कों पर अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर ऐसे शिव जी के मंदिर होते हैं जहां श्रद्धालु जल लेकर और जलाभिषेक करने जाते हैं और कांवड़ यात्रा पैदल करते हैं, तो उनके कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर बीते दिनों की बात करें तो विगत सालों आपने देखा था कि कांवड़ियों के ऊपर कुछ ऐसे हादसे हो गए थे जिसमें सड़क हादसे हुए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली बार कांवड़िया बूथ बनाए गए थे, साथ ही साथ उनके पानी की व्यवस्था की गई थी और वहीं कुछ अनहोनी ना हो जहां भीड़ वाली जगहों पर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया था, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही थी। इन सभी व्यवस्थाओं को एक बार फिर लागू किया जा सकता है। वहीं शिखा, आपको बताएं कि इसे अगर बात की जाए तो इस हफ्ते के आखिरी में बकरीद है और बकरीद को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं ऐसी अनहोनी ना हो, अजारक तत्व जो है उन पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं आपको बताएं कि कांवड़ यात्रा और सावन मेला जहाँ भी लगाए जाते हैं उन सब जगहों पर उचित व्यवस्था की जाए और प्रशासन की वहाँ अस्थायी रूप से जो चौकियाँ बनाई जाती हैं उसको भी बनाने के निर्देश दिए जा सकते हैं, उस पर भी बात की जा सकती है। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर पे नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिएगा। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीएम योगी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है कानून व्यवस्था को लेकर, समीक्षा बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की जाएगी और कई अहम निर्देश भी दिए जा सकते हैं। आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ताज नगरी के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 में एक ही परिवार के 3 लोग फांसी के फंदे से लटके मिले। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन रिश्तेदारों को आत्महत्या के कारण पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सिकंदरा में घटना हुई है, सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, तीन लोगों ने फांसी लगा दी थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के कुछ नहीं मालूम मुझे तो थोड़े मालूम परी भैया। कैसे पता लगी? लाला नहीं बताई थी हम जिला बारी बात जो दे लाला से गई थी, मैं लाला देख ऊपर का है वो जल्दी से आगरा के घटनास्थल से हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ेंगे इस खबर पे। जिशान, पूरी जानकारी चाहेंगे। एक तरफ पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में जैसी सुबह हुई तो एक दिल बहलाने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार के तीन लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, ये पीड़ित परिवार का मकान है, यहाँ पर काफी गम का माहौल भी बना हुआ है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो बेटा है जिसने पूरी घटना की सूचना दी थी, अपनी बुआ को सबसे पहले सूचना दी थी। इस बेटे ने कहा था कि मम्मी पापा और मेरी बहन फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। हम इससे भी बात कर लेते हैं बेटे से। बेटा क्या नाम है आपका? श्याम। क्या घटना हुई थी, कैसे जानकारी हुई, तो आप कैसे मालूम पड़ा कि मम्मी पापा और बहन फांसी के फंदे पर लटके हैं? महसूस हुआ था, आपने इसकी जानकारी किसको दी? बुआ ने पुलिस को फोन किया। देखा बेटा काफी गमगीन है, कुछ बोल नहीं पा रहा है और उस परिवार की माता जी भी हमारे साथ हैं, तो उनका बेटा है उनकी माँ है, आइए उनसे जान लेते हैं। हालांकि काफी गम का माहौल है, कुछ कह नहीं पा रहा है। तो क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है? आगरा SSP भी मौजूद थे, कुछ सही ही नहीं है। आप कैसे मानती हैं ये आत्महत्या है या हत्या है, क्या मानती हैं आप? मेरे बच्चे ने मुझे कुछ बताया ही नहीं कभी भी। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी का भी मामला सामने आया? नहीं, मेरा बच्चा कभी तंग नहीं रहा। काम क्या करते थे आपके बेटे? काम अभी 8 साल पहले करता था। तो अब क्या करते थे? अब तो घर में रह रहे थे। तो घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता था? देते थे हम, आप ही देते थे। देखा ये सोनू जो है उनकी माता जी है, उनका कहना है कि 7-8 साल से उनका कारोबार नहीं था। पुलिस के द्वारा भी यही बताया गया कि आर्थिक तंगी का मामला सामने आया है। एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, उसमें भी काफी भयभीत चीजें लिखी हैं। हालांकि पूरा परिवार गमगीन है, हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय निवासी भी हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर एक आत्महत्या का मामला सामने आया है आर्थिक तंगी की वजह से, क्या कहेंगे? घर में कुछ न कुछ मजबूरी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब हम एक ही चीज बताएंगे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे आगे कोई काम ना हो इसलिए क्षेत्रीय पार्षद विधायक सांसद ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे भाई जिनका काम नहीं चल रहा है, जिनका काम नहीं चल रहा है तो उन लोगों को, पार्षद को तो सब पता होता है, बूथ अध्यक्ष बना दो बूथ अध्यक्षों को पता होता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कितने उनको चल रहा है, कौन कौन सड़के गुजर बसर कर रहा है, कौन। सर एक सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है,
उनकी माताजी ने बताया है कि 7-8 साल से वो बेरोजगार थे और योगी सरकार लगातार वादे कर रही है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, रोजगार दिया है, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। तो 7-8 साल से परिवार की तरफ ना तो क्षेत्रीय विधायक ने ध्यान दिया ना ही पार्षद ने, तो कैसे देखते हैं अब इन सारी चीजों को? ऐसा होता है कि ये जो विधायक सांसद मेयर जितने भी जो अपने चुनाव होते हैं ना, तभी हमको याद आते हैं कौन गरीब है कौन अमीर। उनसे पहले ना प्रशासन को भाई योगी जी ऊपर से क्या करे, योगी जी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो क्षेत्रीय विधायक और पार्षद ही देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्षेत्रीय विधायक जो पुरुषोत्तम खंडेलवाल है मौके पर आए थे और सोनू की जो माता जी है उनसे भी मुलाकात की है, ऐसा कोई आश्वासन कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता उनको मिलेगी? वो कह गए कि हम उनको जो पहली घटना है जो इन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में हुआ, वहां से मुख्यमंत्री जी ने इनको बोला प्रशासन को, इनको सब ये लोग आए तो उनका जरूर संज्ञान में लेकर जरूर मदद की जाएगी परिवार की। ऐसी कोई देखा आपने, ये क्षेत्रीय निवासी है और अभी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो क्षेत्रीय विधायक हैं परिवार से मुलाकात करने आए और परिवार को आश्वासन भी दिया है कि परिवार की सरकार के द्वारा सहायता भी दी जाएगी। जी जी शान, अगर घटना की बात करी जाए तो कितने बजे की घटना बताई जा रही है, क्योंकि अगर आर्थिक तंगी का मामला बताया जा रहा है तो एक व्यक्ति ने नहीं पूरे परिवार ने क्यों एक साथ आत्महत्या कर ली और बेटी की उम्र क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सुबह के टाइम का है, सुबह 7 बजे के लमसम का मामला है। 7:30 बजे उनका जो बेटा था एक वो आया बाहर, वो बाहर खेल रहा था, उसके कुछ पड़ोस के ही लोगों ने उसको उससे जानकारी कुछ मंगवाया उसके घर से, तो उसने बेटे ने मना कर दिया अंदर जाने से कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरी बहन और पापा और मम्मी की लाश लटकी हुई है फांसी के फंदे पर। जी, अगर परिवार के सदस्यों की बात करी जाए तो कितने सदस्य हैं परिवार में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सोनू एक उनकी पत्नी और एक बेटी एक बेटा है, जो अब फिलहाल बेटा बचा है, बाकी तीनों की आत्महत्या से मृत्यु भी हो चुकी है। जी, बेटी की क्या उम्र बताई जा रही जिशान? बेटी की मैं परिवार जनों से पूछ लेता हूँ सही जानकारी, जो हमारे दर्शक भी देख लें, बेटी की क्या उम्र थी जो बेटी छोटी बेटी थी? 9 साल। 9 साल की, और बेटे की? 10 साल। देखा आपने, ये सोनू की माता जी हैं जो बता रही हैं बेटे की 10 साल की और बेटी की 9 साल की उम्र है। जी, अगर कोई सुसाइड नोट की बात करी जाए तो वो भी क्या बरामद हुआ, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिवार वालों का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आगरा SSP ने बताया है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन अभी उस सुसाइड नोट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। सुसाइड नोट पुलिस के पास है, तथ्यों की जांच होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये हत्या है या आत्महत्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पे नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए आगरा से। इस खबर पे हमारे संवाददाता जीशान अहमद जुड़े थे। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केशव मौर्य ने कहा कि विभाग रिपोर्ट पेश कर रहा है, 3251 खेल के मैदान पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों को उनका आशियाना दिया जा रहा है। 100 दिन में एक और बड़ा काम, उत्तर प्रदेश में मैंने जैसा कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें BC सखी के रूप में जो कार्य करती हैं बहनें, उन बहनों को प्रथम 6 माह तक ₹4,000 उनके खाते में क्रेडिट भेजा जाता है और फिर वो जमा और निकासी के आधार पर उनको कुछ एक बैंकों के द्वारा निर्धारित कमीशन मिलता है। उसमें कई बहनें तो लाख लाख रुपए तक भी महीने में कमाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और आगे आने वाले समय में यह कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कोई गांव में रहने वाला बुजुर्ग है उसे बैंक तक ना जाना पड़े,
स्वयं बैंक बन करके बीसी सखी उनके घर तक जाती हैं और उनको जो पैसा निकालना है उनको बदायूं में जिला महिला अस्पताल में अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर, वार्ड आया और आशाओं के माध्यम से मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बगैर सुविधा शुल्क लिए महिला मरीजों का इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जहां डिलीवरी के नाम पर मरीजों से 5,000 रुपए की मांग की गई है, जिला महिला अस्पताल में अवैध वसूली का काला खेल चल रहा है। डिलीवरी के नाम पे महिलाओं से पैसे लिए जा रहे हैं और जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनके साथ अभद्रता भी की जाती है। बगैर सुविधा शुल्क के महिला मरीजों को इंजेक्शन भी नहीं लगाए जाते हैं। मरीजों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध वसूली का ये मामला अस्पताल से सामने आया है। बदायूं से ये खबर सामने आ रही है, जहां जिला महिला अस्पताल में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, पीड़ितों ने बताया भी है कि किस तरह से उनके साथ पैसा ना दे पाने पर अभद्रता भी की जाती है, उनको भगा दिया जाता है और ये जिला महिला अस्पताल का मामला है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजन पाठक जुड़ चुके हैं बदायूं से। राजन, जिस तरह से पीड़ितों ने बताया है कि उनके साथ अभद्रता भी की जाती है, अवैध तरह से वसूली की जाती है, शिकायत की गई है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है, क्या जानकारी है? मैम, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट बदायूं की तो बदायूं के अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है अवैध वसूली की लेकर। जो महिला का कहना है भ्रष्टाचार बदायूं जिले पे खत्म ही नहीं होगा। जी, अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि शिकायत भी करी गई है इस मामले की? मैम, अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, कई बार पहले भी कई शिकायतें की चुकी लेकिन अधिकारियों ने कभी मामले को संज्ञान में लिया ही नहीं है अभी तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ बदायूं से संवाददाता राजन पाठक जुड़े थे। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर मां बाप की हत्या कर दी। बेटी ने मां बाप और भाई को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जब सब बेहोश हो गए तो देर रात प्रेमी को बुलाया, फिर मां बाप की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के बाद जब प्रेमी चला गया तो उसने शोर मचाया। घर की पहली मंजिल पर सो रहा भाई आया तो बहन ने बताया कि 3 नकाबपोश लोगों ने हत्या कर दी है। वहीं बेटी ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की और रोने का नाटक करती रही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और मौके वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने 10 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया, साथ ही आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आज से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, उन्नाव, गोंडा, फरुखाबाद, शाहजहांपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पूरी चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।